कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करने लगा है, इतनी नफरत करने लगा है कि वो मोदी से नफरत करते 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 पूरे देश से नफरत करना शुरू कर दिया है। राजनीति और सियासत संभावनाओं का खेल है, कल क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। बस इतना ही मेरा गुनाह है कि मैं नरेंद्र मोदी से मिला। उनसे पूछिए कि भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाना इतना बड़ा गुनाह है। आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कांग्रेस के उन नेताओं का जिन्होंने मेरा निष्कासन कराने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस पार्टी का नौकर नहीं था। दूसरी बात, मैंने नौकरी भी नहीं मांगी थी। मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, राजीव गांधी जी से लेकर आज तक मैं कांग्रेस की मूल विचारधारा के साथ रहा। और कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है वो सर्वधर्म संभव है। कांग्रेस की मूल विचारधारा की आत्मा महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। राम राज्य का सपना सबसे पहले किसने देखा? महात्मा गांधी ने। तो जो सपना महात्मा गांधी ने देखा वो सपना नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तो यदि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और वो इस देश के हित में कोई अच्छा फैसला कर रहे हैं तो उस फैसले का समर्थन होना चाहिए, उस फैसले की सराहना होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करने लगा है, इतनी नफरत करने लगा है कि वो मोदी से नफरत करते 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 पूरे देश से नफरत करना शुरू कर दिया है। मोदी से इतनी नफरत करता है कि वो मोदी से नफरत करते करते सनातन को मिटाने पर तुल गया है। नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करता है कि जो नरेंद्र मोदी से मिले उससे नफरत करना शुरू कर देता है। बस इतना ही मेरा गुनाह है कि मैं नरेंद्र मोदी से मिला। तो आपका राम मंदिर जाना या प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना, क्या आपको ये वजह लगती है कि उन्होंने एंटी पार्टी एक्टिविटी का नाम दिया? और तो मुझे दूर दूर तक कोई बात नजर नहीं आती, ये उनसे पूछिए। राम मंदिर का न्योता ठुकराना और राम मंदिर के न्योते को अस्वीकार करके चिट्ठी जारी करना, उनसे पूछिए कि भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाना इतना बड़ा गुनाह है? क्या श्री कल्कि धाम का शिलान्यास समारोह करना, श्री कल्कि धाम बनाने का संकल्प लेना, श्री कल्कि धाम के शिलान्यास में भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट करना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इनवाइट करना, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को इनवाइट करना, क्या इतना बड़ा गुनाह है कि हमारी 40 साल की तमाम तपस्या को आप खत्म कर देंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, महाभारत में षड्यंत्र रचा था शकुनी ने और अभिमन्यु का वध हुआ था, उसका परिणाम ये हुआ कि धृतराष्ट्र का वंश समाप्त हो गया। थोड़ी तकलीफ हुई है लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कांग्रेस के उन नेताओं का जिन्होंने मेरा निष्कासन कराने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि भगवान राम का वनवास 14 वर्ष का था, इस 6 साल के निष्कासन को बढ़ा के 14 वर्ष कर दिया जाए। पॉलिटिकली अभी भी आप आगे एक्टिव रहने का आपका इरादा है? भाजपा ज्वाइन है, कोई और पार्टी अगर भाजपा नहीं, वैसे आपने बोल दिया है कि मोदी जी का समर्थन देंगे आप? मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करने नहीं जा रहा हूँ, और राजनीति और सियासत संभावनाओं का खेल है, कल क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। पर मुझे पूरा भरोसा है भगवान श्री राम पर और श्री कल्कि धाम पर कि जो होगा अच्छा होगा। मगर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हूँ और जीवन की आखिरी सांस तक उनके साथ खड़ा रहूँगा।